गाइस ये देखो सामने क्या हो रहा है। यहाँ पे है ना चाइनीज थिएटर के सामने एक मेला लगा है और वो मेले में देखो क्या बिक रहा है, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। अरे हजरा 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 आओ बबलू पहलवान की दुकान में, हम यहाँ पे लाए हैं सबसे खतरनाक खतरनाक हल्क, जो चाहिए वो लेके जाओ, सबका स्वाद सबका विकास। ये देखो यहाँ है बलून हल्क, यहाँ है छोटा पतला हल्क, तुमको चाहिए खतरनाक दबंग हल्क वो भी है यहाँ, तुमको अच्छे लगते है 11 हेड वाला अल्टीमेट हल्क उसका भी है तोहफा, और तुम्हें बनना है खतरनाक जायंट हुड़ हुड़ दबंग तो उसका भी है हमारे पास हिसाब। आओ 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 बबलू पहल के उनके पास आओ। गाइस तुमने सुना, ये बबलू पहलवान ने तो यहाँ पे कितनी तगड़ी दुकान लगाई है, चलो चलो जिससे जल्दी जाके बात करते हैं। हेलो बबलू पहलवान। अरे आओ वो मेरा सबसे पहला कस्टमर, तुमको तो मैं दूंगा 50% डिस्काउंट। अरे वाह गाइस देखो मैं पहला कस्टमर हूँ, मुझे 50% डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये बलून हल्के, ये स्टिकी हल्के, स्टिकी हल्क मतलब छोटा वाला हल्क, खतरनाक कूल दबंग हल्क, यहाँ पे ये वाला 11 हेड वाला हल्क, और ये देखो कैसे टावर जैसे दो दो हल्के इतने बड़ी बड़ी साइज के। अरे बबलू पहलवान यार मुझे दे दो ये बड़ा वाला जायंट हल्क, कूल दबंग हल्क के कितने सारे हेड है गाइस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेड्स है, और इसके पास ऑल फादर के टैटूज भी है, मुझे तो ये वाला दे दो। अरे ठीक है माय डियर, ये देखो नॉर्मली मैं इसको देता हूँ $20 करोड़ का, तुमको मैं दे दूंगा इसको सिर्फ $10 करोड़ का, लाओ मेरे $10 करोड़। ओ एक सेकंड, $10 करोड़? मेरे को तो लगा था ये चाइनीज थिएटर के यहाँ पे लगा है तो चाइना का माल होगा, सस्ते मिलेगा। अरे नहीं नहीं एकदम ऑथेंटिक हल्का है, बिल्कुल चाइनीज कुछ भी नहीं है। फ्रैंकलिन भाई $10 करोड़ तो बहुत अच्छी प्राइस दे रहा हूँ मैं तुमको, ऐसी प्राइस इतने खतरनाक हल्क के लिए कहीं नहीं मिलेगी। अरे हाँ बात तो सही है, 10 करोड़ बहुत तगड़ी प्राइस है, पर मेरे पास तो है कुल मिला के 0 रुपए। गाइस यहाँ पे देखो मेरी फोटो के पास 0 रुपए में कोई हल्क है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो, 0 रुपए में फ्री में कैसे कोई हल्क मिलेगा। अच्छा तो मुझे ये बता तुम्हारा सबसे सस्ता वाला हल्क कितना है? अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो ये $500 का हल्क है, ये सबसे छोटा वाला हल्क। अरे ये इसकी तो बॉडी भी नहीं है यार। अच्छा और तुमने 50% डिस्काउंट बोला था ना। अरे हाँ चलो ठीक है मैं तुम्हें ये $250 में दे दूंगा। $200। अरे कितना करोगे फ्रैंकलिन भाई इतना कमजोर हल्क के लिए? ठीक है चलो लाओ $200 लाओ। मेरे पास तो $200 भी नहीं है। अरे तो क्यों भाव तोल करवा रहे हो, जब खरीदना ही नहीं है तो कैसे बुरे आदमी हो तुम? अरे नहीं नहीं गुस्सा मत करो, लेकर आता रहो $200 ही है। गाइस ये देखो यार ये तो लूट पाट बच रही है, यहाँ पे $200 का ये मुझे ये हल्क दे रहे, ये तो भाई इस पे तो वो भी नहीं है मतलब बॉडी भी नहीं है। अरे तो $200 में तो सिर्फ उसका हेड मिल रहा है, वो भी सस्ते में मिल रहा है तुम्हें। अरे हाँ 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 गाइस देखो कहीं से भी जाके मुझे फटफट है ना $200 लेकर आने पड़ेंगे। पर गाइस मैं क्या करूँ, खेती करूँ, हल चलाऊ, किसी के जूते पहुँचू? भैया आपके जूते पहुँच दू के मुझे $200 दोगे? पापा तेरे को लगता है मेरे पास $200 है? चल यहाँ से हट, ₹50 के चश्मे खरीदना मुझे। अरे मुझे दे दो चश्मे, मैं तुम्हें यहाँ से चोरी करके दूंगा। अरे चल हट यार, तेरे को पैसे चाहिए पीछे से चोरी कर ले यार जाके। अरे क्या चोरी कर लू? अच्छा रुको गाइस यार यहाँ पे कहीं पे चोरी करने का कोई तरीका है ना? रुको यार गाइस यहाँ पे इतना सारा कचरा पड़ा है, किसी के तो थोड़े से रुपए गिरे होंगे यहाँ पे दुकानों के पास। यार यहाँ पे मैंने सुना है बहुत करोड़पति लोग आते हैं यार, ये देखो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पे, मतलब यहाँ पे सारे सेलिब्रिटी के नाम है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रुपए पड़े होंगे यार। कहाँ पे पड़े रुपए? ये देखो डस्टबिन के पास पड़े क्या? गाइस तुम्हें कहीं पे भी 100-200 की नोट दिख रही है क्या? अरे कहीं भी नहीं यार 100-200 की नोट, क्या करूं, मेरे को 100-200 रुपए ही चाहिए, ज्यादा तो मांग भी नहीं रहा। रुको यहाँ पे मैं जाता हूँ यार, यहाँ पे देखो कोई ना कोई तो होगा जो मुझे पैसे दे दे, और ना यहाँ पे मैं कचरे के डब्बे में ढूंढता हूँ। नहीं 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 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे दिख रही है क्या? अरे यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे दिख रही है क्या? अरे कहीं है ही नहीं यार। अरे गाइस कहाँ से पैसे लाओ यार? एक सेकंड गाइस वहाँ पे वो कौन खड़ा है, वो क्या कर रहा है यार? अरे पार्टी ऑल नाइट पूरी राइट पार्टी कर ली, ₹500 भीख में कल मिले थे उसकी ₹400 की पार्टी कर ली, मस्त मैंने तो बल्ले बल्ले दारू पी ली, मजा आ गई। अब यार डब्बे के नीचे जाके सो जाता हूँ यार, ₹100 पड़े उड़ के बर्गर खा लूंगा इसका। ओए चलो। अरे गाइस तुमने सुना क्या उसने क्या बोला, उसके पास ₹500 थे, ₹400 की उसने पार्टी कर ली है और अभी उसके पास ₹100 बचे। रुको मैं जाके देखता हूँ यार उसके ₹100 मैं चुरा सकता हूँ कि नहीं। गाइस क्या हालत आ गई है भाई मेरे को, है ना इधर है ना होमलेस दारूडियों के पैसे चुराने पड़ रहे। रुको रुको चुपचाप इसके पास जाता हूँ यार, मेरे को लगता तो है इसके पास पैसे होंगे, थोड़े से पैसे से मेरा काम चल जाएगा, मुझे सिर्फ ₹100 चाहिए। ये देखो यहाँ पे पड़े, ओए गाइस देखो थोड़ी सी नोट पड़ी है, ये तो सो रहा है। चलो चलो इसका ध्यान नहीं होगा, मैं जल्दी से इसकी सर के नीचे से नोट खींच देता हूँ। अरे इतना टाइट है यार, ये तो इतना भारी सर है इसका, इतना सारा इसने क्या कर रखा है। इधर ला भाई मेरे को नोट दे 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 दे, तेरी ऐसी तैसी नोट दे दे। क्या कर रहा है, नोट उठाओ, मैं भागो भागो भागो, तूने मेरे पैसे ले लिए, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। गाइस ये तो मेरे पीछे पड़ गया, अरे मेरे ₹100 दे, मैं बर्गर कैसे खाऊंगा। अरे गाइस ये देखो यार दारू पीने के कारण इसकी आवाज भी खराब हो गई। अरे मैं तो
तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो देखो गाइस, 100 रुपए का तो चूना लगा दिया, अब मुझे सिर्फ 100 रुपए और चाहिए। चलो 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 यार, क्या करूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड गाइस, यार मेरे को पता है मैं कहाँ जाऊंगा तो मुझे थोड़े से रुपए मिल सकते हैं। यहाँ पे देखो, मैं छोटी वाली नैनो कार ले लेता हूँ, और यार सामने वो ज़ॉम्बी खड़ा है ना, इसके पास थोड़े से रुपए तो होंगे, ये है ना इसके पास लोग इसको भीख दे के जाते। मैं मेरी गाड़ी से इसको ठाई करके छोड़ देता। अरे मामा रे, मार क्यों दे मेरे को, मेरे को 100 रुपए दे। अरे नहीं दूंगा, 100 रुपए मेरा भीख है। अरे दे दे दे, तेरे को छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरे को 100 रुपए नहीं मिल जाते। अरे पापा ठीक है ये ले भाई, 100 रुपए जमीन पे फेंक रहा हूँ, जमीन से उठा ले। अरे नहीं, जमीन से नहीं उठाऊंगा मैं तेरे पास से उठाऊंगा, काम भाग रहा है। रुक जा, ये देख तेरे सामने आ गया। ओए भाग गया यार इसकी ऐसी तैसी। अरे काम भाग रहा हूँ मैं, ओए इधर आ इधर आ। अरे मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे। अरे गाइस ये क्या भाग दौड़ चल रही है यार, देखो मैंने इसके 100 रुपए चुराए, वो मेरे पीछे भाग रहा है, और ये ज़ॉम्बी के पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे पीछे दौड़ रहा है। ये देखो इसको टैकल कर दिया। अरे मेरे पैसे दे दे फ्रैंकलिन। अरे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, ये लास्ट 100 रुपए दे, मेरे को पता तेरे पास 100 रुपए। अरे मेरे पैसे दे दे भाई फ्रैंकलिन। अरे नहीं दूंगा नहीं दूंगा, ये देखो गाइस, अरे मेरे को रुपए मिल गए थोड़े से, देखो ऊपर प्लस हुआ है ना, देखो 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 गाइस, यहाँ पे मेरे पास पूरे $200 हो गए। जल्दी से जाके मैं बलून हल खरीद लेता हूँ। अरे मेरे पैसे लौटा दे। अरे बबलू पहलवान ये लो यार, मैं अब तुम्हारे लिए $200 लेकर आ गया। अरे वाह फ्रैंकलिन, होड़ होड़ दबंग, ये ले सबसे तेरा पहला वाला सूट। नहीं 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 गाइस, ये देखो मैं तो एक बलून हल्क में कन्वर्ट हो गया, तेरे पैसे बबलू पहलवान से लेते रहना। अरे ये बच्चा मेरे पैसे लेके भाग गया, कोई रोको इसको, कोई रोको। अरे कोई नहीं रोकेगा मुझे। गाइस देखो बलून हल्क बन चुका हूँ मैं, कितना मजा आ रहा है मुझे। चलो बस अब मुझे ना, अरे एक चीज तो भूलना ही भूल गया, नेक्स्ट सूट का प्राइस ही पूछना भूल गया मैं तो, एक्साइटेड में। अरे बबलू पहलवान सुनो सुनो। अरे बोलो फ्रैंकलिन बोलो। अरे मुझे नेक्स्ट सूट चाहिए, ये कितने का है? अरे फ्रैंकलिन ये वाला सूट पूरा पूरा तुझे 10,000 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि ये काफी अच्छी क्वालिटी का सूट है। अरे तो 50% डिस्काउंट बोले थे ना। अरे 50% डिस्काउंट लगा के $10,000 का पड़ेगा यार, वरना तो 20,000 का था। अच्छा अच्छा ठीक है गाइस, बबलू पहलवान चूना लगा रहा है, कोई 50% ऑफ नहीं है। वैसे गाइस देखो, तुम एक चीज कर सकते हो, तुम है ना मेरे को पैसे दिलवा सकते हो, पता कैसे? तुम्हें वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और कमेंट सेक्शन में मनी लिखना पड़ेगा, और वो है ना पैसे वाली इमोजी डालनी पड़ेगी। पता है कौन सी वाली इमोजी? जिसमें वो है ना वो येलो कलर का फेस से जीप बाहर निकाल रहा है, और उसमें पैसे लिखे हुए। जल्दी से यार, जल्दी से वो इमोजी ढूंढ के डाल दे, कर रहा है वो वाली इमोजी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में वाली इमोजी डाल दो, उससे मुझे भड़ाभड़ पैसे मिल जाएंगे, बहुत मजा आएगा। चलो गाइस यार, इतनी मदद कर दो मेरी, मैं जितने चलता हूं दूसरी जगह पे एक चूना लगाने, लेट्स गो। तो यार तुम सोच रहे होंगे कि फ्रैंकलिन भाई ये बलून बनके तुम किसको स्कैम करोगे, तुम्हारे पास तो हाथ भी नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं कर सकते। पर गाइस मेरे को लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये देखो यार, ये देख रहे हो, ये अमीरों की होटल है, रिचमंड होटल, यहां पे है ना नाम में ही रिच है यार। देखो तुम्हें बोर्ड दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा होगा द रिच मैन होटल, सिर्फ मतलब जो अमीर लोग है वही लोग यहाँ पे आते, और तुम्हें पता है अमीर लोगों के बच्चे भी बहुत अमीर होते। ये देखो यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है, इसकी बात तो सुनो क्या बोल रहा है। अरे क्या करूँ यार, मुझे तो यहाँ पे पानी में खेलने जाना है, मम्मी ने जो आज के दिन के लिए पॉकेट मनी दी है, क्या मैं क्या करूँ, मेरे तो बैग में भी फिट नहीं हो रही, पर्स में भी फिट नहीं हो रही, इतने सारे पैसे है, मुझे इनको खर्चना है सिर्फ आज की पॉकेट मनी, यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, पैसे दुविधा में डाल दिया है भगवान आपने मुझे इतने सारे पैसे देके। सुनी गाइस, तुमने इसकी दुविधा सुनी, कि कैसी दुविधा इसको, देखो अभी मैं इसकी दुविधा सॉल्व करने वाला हूँ, इसके पैसे गायब करके। चलो जल्दी जल्दी से जाता हूँ, और मैं इसको मामू बनाने का चालू काम करता हूँ। हेलो जी, हेलो, आप यहाँ पे होटल में रुक रहे हो? अरे हाँ मैं यहाँ पे होटल में रुका हुआ, मेरे मम्मी पापा यहाँ पे घूमने आए हैं, मुझे यहाँ पे पानी में खेलना है, पर मैं खेल ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ यार। अरे क्यों पानी में क्यों नहीं खेल पा रहे हो? अरे यार भैया जी देखो यार, मम्मी ने आज की पॉकेट मनी दी है, इसको मैं यहाँ पे कैसे छोड़ के चले जाओ, कोई चुरा लेगा इसको। अरे हाँ बहुत तो सही है, और इतने सारे रुपए कोई तो इधर रखोगे चुरा ही लेगा। अरे हाँ भैया जी, अब मैं क्या करूँ यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अमीर लोगों को भी। अरे तुम एक काम करो यार, तुम पानी में नहाने जाओ, मैं इसके बाजू में खड़ा रहूंगा, कोई भी नहीं चुराएगा इसको। अरे क्या बात कर रहे हो यार, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ, तुम भी तो एक अनजान आदमी हो, अगर तुमने मेरे पैसे चुरा लिए तो, मम्मी बोलती है कभी भी अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करते। अरे हाँ 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 बिल्कुल तुम्हारी सही बात है, अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करते, पर तुम मुझे एक बात बताओ बच्चे, मैं ये पैसे चुराऊंगा कैसे, मेरे हाथ है? अरे नहीं तुम्हारे हाथ तो नहीं है, मैं भागूंगा कैसे, मेरे पास पैर है, तुम्हारे पैसे चुरा भी लिए तो मैंने। अरे बात तो बिल्कुल सही है, ना तुम्हारे हाथ है ना पैर है, सिर्फ मुंह है, इसके लिए बोल पा रहे हो, तुम पैसे तो कैसे ही चुराओगे। अरे गाइस इसको कहां पता कि भले मेरे हाथ पैर नहीं है, पर ये जो मेरी
सकती है। मैं इसके ऊपर खड़ा होकर पैसों को सारे सक कर लूंगा, मतलब है ना अंदर ले लूंगा अपने। इसको ये बात पता नहीं है, इसको तो ऐसा लग रहा है मेरे पास हाथ पैर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो जाओ बच्चे तुम नहाओ मजे मारो। हाँ बात तो सही है, 15-20 मिनट खड़ रहा ना, मेरे को बहुत सारी स्विमिंग करनी है। बड़ा आनंद आ रहा है स्विमिंग करने में तो। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, वाओ वाओ वाओ। गाइस देखो बच्चा वहाँ स्विमिंग कर रहा है, उतनी देर में जल्दी से इसके पैसे उड़ा लेता हूँ मैं सारे। ये देखो इसके सारे पैसे गायब के लिए। अरे तूने मेरे साथ स्कैम किया, तूने मेरे पैसे ले लिए। अरे हाँ पैसे तो लिए, मेरे साथ अपने पैसे छोड़े की मम्मी पापा ने सिखाया नहीं कि अनजान लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। अरे मेरे पैसे लेके भाग गया। चलो कोई बात नहीं, मैं मम्मी से और मांग लूंगा। अरे गाइस देख रहे हो अमीर लोगों की बात यार, इतने सारे रुपए चुरा लिए मैंने उससे पूरे पूरे, देखो गाइस 10,000 रुपए चुरा लिए, जिससे मैं मेरा नेक्स्ट सूट खरीद पाऊं, इसको फर्क भी नहीं पड़ा। चलो गाइस जल्दी से चलते चाइनीज थिएटर पे, लेट्स गो। ये देखो गाइस मैं मेरे बलून की पावर से उड़ता उड़ता यहाँ तक आ गया। बॉडी नहीं होने का फायदा तो ऐसे रहता है, मैं हवा में उड़ पाता। अरे वाह देखो सो ब्यूटीफुल बबलू पहलवान, अरे कितना गंदा सा हल्क आ गया। अरे अभी गंदा हल्क बोल रहे हो, अभी तुम्हें बता तो बबलू पहलवान, बबलू पहलवान ये लो यार तुम्हारे $10,000 रुपए, अब मुझे दे दो ये वाला हल्क। वाह वेरी गुड वेरी गुड फ्रैंकलिन, हजरा हजरा मजा आ गई, ले लो अपना $10,000 का हल्क। डांग डांग डांग, ये देखो गाइस यार मैं बन चुका हूँ एक फाइनली पूरा हल्क। अब किसको बोल रही थी बदसूरत आंटी, अरे पैसे मिले, तू भी ला तुम्हारे पैसे। अरे पापा ने मेन पॉइंट पे मार दिया, पैसे दे मुझे हल्क का सूट खरीदना, तू भी आंटी पैसे दे। अरे फ्रैंकलिन मेरे कस्टमर को हरास काहे कर रहे हो यार तुम। अरे नहीं नहीं हरास नहीं कर रहा। चलो बबलू पहलवान मुझे बताओ यार, ये ना ये वाली जो गाड़ी है, ये वाली गाड़ी, ये वाला जो खतरनाक हल्क है ऑल फादर दबंग हल्क की पावर वाला, ये कितने का है। अरे फ्रैंकलिन ये इसके पैसे तू कभी नहीं जोड़ पाएगा, इसके 10,00,000 रुपए लगेंगे। 10,00,000 रुपए, अरे बापरे पागल हो गए हो क्या, 10,00,000 रुपए कैसे लाऊंगा मैं। कोई बात नहीं गाइस, कुछ भी करके मैं 10,00,000 रुपए लाके ही रहूंगा। अरे ठीक है तू ला सकता हो तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, जल्दी से 10,00,000 रुपए ले आ, जल्दी से लेकर आना वरना डिस्काउंट में सारे मेरे सूट बिक जाएंगे। अरे गाइस देखो ये आंटियों को मार मार के इनकी चिल्लर इकट्ठी करके तो मेरे को 10,00,000 रुपए मिलेगी नहीं, पर मुझे गाइस एक आइडिया पता यार, आजकल है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे फेमस होने का, और सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। इसके लिए देखो यार यहाँ पे है ना जो लॉस सैंटोस का कैसीनो है, इसके ऊपर यार एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज बनी है, और देखो कैसीनो भी सामने ही है। मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या चीज कर सकता हूँ जिससे है ना मैं बहुत ही जल्दी 10,00,000 रुपए कमा सकूँ। हाँ तो गाइज मैं तुम्हें बता रहा था, ये जो कैसीनो है ना इसमें यार यहाँ पे देखो आजकल बहुत तरह तरह के फोटोशूट चलते हैं, और तुम सोच रहे होंगे फोटोशूट में यार ये क्या है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हरी कलर की स्क्रीन है और यहाँ पे सिर्फ ये आंटी देखो क्या इशारे करी है। वेरी गुड वेरी गुड, इसको मस्त एडिट कर दूंगा तो फेमस हो जाऊंगी ऑनलाइन। जी हाँ तुमने गाइस बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे है ना लोग अपने नकली फोटोशूट करवाते हैं, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन के आगे है ना ये कैमरा मैन इनकी सिर्फ फोटो निकालता है और फिर है ना इसको एडिट करके इनको दे देता है। अरे मस्त है ना, मैं प्राइवेट जेट में बैठी हूँ पूरे सोने के बने हुए, ऐसी एडिटिंग करना। अरे मैडम डोंट वरी, बहुत खतरनाक एडिटिंग करता हूँ मैं। अब गाइस देखो ये एक एक फोटो खींचने के 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो मैं ज्यादा नहीं 4 फोटो भी यहाँ पे खींच लूंगा और एडिटिंग करके दे दूंगा ना तो मुझे पूरे पैसे मिल जाएंगे। मुझे तो यार एडिटिंग करनी तो आती है, फोटो खींचना तो कितना मुश्किल काम होता नहीं है। चलो गाइस मैं जल्दी से यहाँ पे डायमंड कैसीनो की रूफ पे पहुंचता हूँ, लेट्स गो। ये देखो यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ, चलो चलो जल्दी से मैं चलता हूँ यहाँ पे फोटोग्राफर से बात करता हूँ यार, इसने क्या काम किया है, इसके पास मैं नौकरी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ कि नहीं। रुको, थैंक यू मेरी फोटो निकालने के लिए, मुझे जल्दी से सारी फोटो व्हाट्सएप कर देना, मुझे स्टेटस पे लगानी है फेमस होने के लिए। चलो मिलती हूँ मैं तुमसे, मेरा 2.5 लाख रुपए का पेमेंट तो मैंने कर ही दिया है, ठीक है ना, मेरे को 4 फोटो दे देना, 10,00,000 रुपए हो जाएंगे पूरे। अरे गाइस देखो यार ये मैडम ने तो 10,00,000 रुपए की फोटोज खिंचवाई अभी। अरे मजा आ गया, आज तो 30-40 लाख रुपए कमा लिए, अब मुझे और ज्यादा काम करने की इच्छा नहीं है, वैसे भी बहुत जोर से पॉटी लगी है, पॉटी करने जा रहा हूँ। अरे गाइस ये तो पॉटी करने जा रहा है, अरे भैया सुनो सुनो। अरे क्या हो गया, तू तो कोई हल्क जैसा लग रहा है, क्या तू इधर क्यों है। अरे भैया मैं हल्क जैसा ही हूँ, मेरी बात तो सुनो यार, मेरे को तुम्हारे बदले फोटो खींच दोगे क्या। अरे तुझे क्या मेरे स्टूडियो में फोटोग्राफर बनना है। अरे फोटोग्राफर नहीं बनना, मेरे को एडिटिंग करनी भी आती है तो मैं सब कुछ कर लूंगा यार, पर यार मैं सारे पैसे लूंगा तुमको कुछ भी नहीं दूंगा। अरे चल ठीक है यार, अभी तू एक हल्क जैसा दिख रहा है तो मैं तुझे यहाँ पे अलाउ कर सकता हूँ, तुझे पक्का कैमरा चलाना आता है ना। अरे हाँ हाँ आता आता है। और तुझे पक्का एडिटिंग करनी आती है ना। अरे हाँ आती आती है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स का यार ऐसा कुछ भी ऐरे गैरे नथु गैरे फोटो नहीं दे सकते हैं अपने। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, ऐरे गैरे नथु गैरे फोटो नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस, अच्छे फोटो खींचूंगा। अच्छा तो ठीक है चल मैं पॉटी जाके आऊ, उतनी देर तू मेरा क्लिनिक संभाल ले, क्लिनिक नहीं मतलब फोटोशूट वाला संभाल ले, जितनी देर जो क्लाइंट आए उसके पैसे तू रख लेना, मैं जब वापस आ जाऊँ तब तुझे भगा दूंगा यहाँ से मैं। अरे गाइस ये तो देखो गया पॉटी,
करने। अरे क्या कर रहे, स्विमिंग पूल में पॉटी करेगा क्या? स्विमिंग पूल में पॉटी करने का तो मजा ही अलग आता है। अरे गाइस कैसा बावला आदमी स्विमिंग पूल में पॉटी कर रहा है। पर कोई बात नहीं गाइस, देखो इसने मुझे परमिशन दे दी। देखो मैं भी एक ग्रीन हल्क हूं, एक ग्रीन स्क्रीन है, यहाँ पे बस मुझे लोगों की फोटो निकालनी और उनको एडिट करके देना, उसके मुझे पैसे मिलेंगे। जल्दी जल्दी से मेरा पहला क्लाइंट कहाँ है भाई, आ जा। मैंने सुना था यहाँ पे फोटोग्राफी होती है और तुम फोटो एडिट करके देते हो। अरे हाँ होती है ना। बोलो तुम्हें कैसा फोटो चाहिए? मैं देखो यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ, तुम मेरी अच्छी सी फोटो निकालो और एडिटिंग करके मेरी बॉडी तगड़ी बना देना, जिससे सब लड़कियाँ मेरे से इम्प्रेस हो जाए, ठीक है ना? अच्छा अच्छा समझ गया, तुम यहाँ पे फोटो खिंचाने आए हो, मैं तुम्हारी ऐसी फोटो निकालू और तुम्हारी बॉडी को एडिट करके एकदम खतरनाक बॉडी बिल्डर वाली बॉडी बना दूं और पीछे तुमको एक जिम में रख दूं, जिससे सब लड़कियाँ तुमसे इम्प्रेस हो जाए। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। ओके गाइस देखो यार, अभी है ना मेरे पास कैमरा तो नहीं है, मैं मेरी फोन से ही फोटो निकाल देता हूँ। बहुत अच्छी कंपनी का आईफोन 15 प्रो मैक्स जैसा कैमरा। ये देखो यार यहाँ पे है ना, ये आदमी की फोटो ले रहे। एक सेकंड, एकदम ढंग से फ्रेम करूंगा मैं, जिससे एकदम बढ़िया बॉडी आए। वैसे इसकी बॉडी की तो जरूरत नहीं, इसकी सिर्फ मुंडी लगानी है ना गाइस मुझे, क्योंकि यार इसकी बॉडी तो एकदम गंदी है, इसको पूरी बॉडी तो मेरे को एडिट करनी पड़ेगी। तो चलो मैं यहाँ पे फोटो खींच लेता। ये देखो एक फोटो खींच ली मैंने। हाँ इतनी जल्दी फोटो खींच ली? अरे फोटो खींचने ही एडिट भी कर दी। ये देख रिजल्ट। अरे वाह ये देखो, आई लुक सो हैंडसम यार, पूरे 2.5 लाख रुपए दूंगा तुमको ये फोटो के, ये लो 2.5 लाख रुपए। ओए मजा आ गई, अब तो सब लड़कियां मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी ऑनलाइन। चलो गाइस देखो, जस्ट लाइक दैट मेरे को 2.5 लाख रुपए मिल गए, मतलब मुझे सिर्फ 3 जनों की और फोटो खींचनी है। और ये अंकल तो यहाँ पे पॉटी करे ही जा रहे करे ही जा रहे, मेरे को 3 क्लाइंट तो और मिली जाएंगे। कहाँ पे यार, और जल्दी आओ यार, कोई क्लाइंट आओ। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे फोटो एडिटर के फोटोग्राफी होती है। अरे हाँ हाँ होती है। कैसी फोटो चाहिए? अरे देखो मेरे को ऐसा फोटो डालना है इंस्टाग्राम पे कि मैं है ना हवाई के बीच पे घूमने गई हूँ, बहुत खतरनाक बीच है, मैं इसके लिए बिकिनी भी पहन के आई हूँ, तो मेरी फोटो एडिट करके दोगे वैसी? अरे हाँ दीदी 100% दे दूंगा, जाओ ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े हो जाओ। ओके गाइस तो देखो यार, ये जो दीदी है इनको ऐसी फोटो चाहिए कि ये हवाई में हो। चलो यार यहाँ पे खड़े हो जाओ, चीज बोलो और कोई डांस वांस करो यार, ऐसा लगना चाहिए कि तुम फोटो में मस्त इंजॉय कर रही हो। नहीं नहीं मुझे तो एकदम एस्थेटिक फोटो चाहिए, बढ़िया सी फोटो निकालना मेरी। अरे हाँ हाँ एस्थेटिक फोटो निकालेंगे, चलो दीदी को डांस नहीं करना। ओके गाइस ये देखो यार, ये दीदी की फोटो के लिए मैंने सब कुछ बढ़िया सा लाइन कर लिया। थोड़ा सा पास जाता हूँ, नहीं थोड़ा ज्यादा पास हो गया, ये थोड़ा ज्यादा दूर हो गया। ओके गाइस दिस इज परफेक्ट, देखो इसको मैंने फ्रेम भी कर लिया। दीदी मेरी तरफ देखो। ए, मुझे शर्म आती है ऐसे फोटो लेने में। अरे शर्म क्या, हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया। अरे वाह बहुत बढ़िया फोटो ले ली, ये देखो मैंने इसको एडिट भी कर दी। ओह माय गॉड वाओ, ऐसा लग रहा है कि मैं हवाई पे घूम रही हूँ यार, कितना मजा आएगा। चलो इसको जल्दी जल्दी से ऑनलाइन पोस्ट कर देती हूँ, बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे मेरे। पल्ले पल्ले शावा शावा, अरे देखो ये आदमी की तो बॉडी कितनी अच्छी है, एकदम बबलू पहलवान जैसी। अरे शायद ये मेरी फोटोशॉप वाली फोटो देख रही है आंटी। तो गाइस देखो 2 फोटो खींची है मैंने यहाँ पे, मुझे 5 लाख रुपए तो मिल गए। अब यार एक और 2 क्लाइंट आ जाए तो मेरे 10 लाख पूरे हो जाएंगे, मेरे को 5 लाख और मिल जाएंगे। आओ भाई क्लाइंट जल्दी आओ। अरे मैंने सुना है यहाँ पे जादू टोना होता है। अरे क्या ये कौन बुढ़ा अंकल आ गया, इनको क्या काम है? अरे मेरे को, मैंने सुना यहाँ पे तुम जादू टोना करते हो। अरे जादू टोना नहीं करते, फोटो खींच के एडिटिंग करते। अरे तो जादू टोना ही हुआ ना। अरे जादू टोना नहीं हुआ, आपको बताओ ना क्या करना है। अरे मैं बहुत बड़ा भगवान जी का भक्त हूँ, मेरे को मेरी फोटो भगवान जी के साथ खिंचवानी है। अरे हाँ देखो भगवान जी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकते, भगवान जी तो है ना स्वर्ग में रहते। मैं एक काम कर सकता हूँ, आप वहाँ पे सामने हरी स्क्रीन के सामने खड़े रहो, तुम्हारी फोटो लूंगा फिर उसको एडिट करके भगवान जी को पीछे डाल दूंगा। अरे क्या ऐसा कर सकते हो, जादू टोना यार ये तो। अरे जादू टोना नहीं है भाई, तुमको फोटो खिंचवानी, जल्दी जल्दी बोलो यार, मेरे को है ना पैसे कमाने। अरे हाँ क्यों नहीं खिंचवानी है भगवान जी के साथ फोटो। अरे तो 2.5 लाख रुपए पहले एडवांस दो। गाइस ये बुड्ढे के पास पैसे होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं। अरे कोई बात नहीं, बहुत पैसा, ये लो तुम्हारे 2.5 लाख रुपए। अरे वाह गाइस देखो मेरे को 2.5 लाख रुपए मिल गए। अरे चलो यार यहाँ पे जाके खड़ा होता हूँ, भगवान जी के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिल रहा है मुझे, कितना लकी हूँ मैं। अब इनको कौन समझा भगवान के साथ फोटो नहीं है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। अंकल जी स्माइल भगवान जी से मिल रहे हो यार, क्या कर रहे हो, स्माइल भी नहीं कर रहे हो। रुको यार फ्रेम ढंग से करने दो, टेढ़े खड़े एक तो अंकल जी। चलो को ठीक है यार अंकल जी, स्माइल बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। ओके गाइस देखो इनकी भी फोटो पाड़ दी मैंने, और ये देखो एक और फोटो सक्सेसफुली एडिटेड।
अरे वाह वाह, मैं तो मेरे सारे भाइयों और बहनों को बताने वाला हूँ तेरे बारे में। बहुत ही बढ़िया जादू टोना करता है। अरे ये आदमी स्विमिंग पूल में क्यों पार्टी कर रहा है? अरे ये आदमी की बॉडी देखो यार, ऑनलाइन कितनी अच्छी है। अरे ये दीदी तो देखो यार, हवाई घूम रही है। अरे गाइस, मेरी सारी फोटोज तो ऑनलाइन फैल रही है यार। है ना, वो बॉडी बिल्डर की भी फोटो दिखी, वो दीदी की भी फोटो खींची। 7.5 लाख रुपए मिल चुके गाइस, मेरे को सिर्फ एक और क्लाइंट की जरूरत है। भगवान जल्दी से क्लाइंट आसमान में से टपका दो मुझे प्लीज मेरे लिए। तथास्तु फ्रैंकलिन, ये ले। अरे ये कौन आ गया? अरे कहाँ पे आके गिर गया मैं? अरे कौन आया? अरे बंदूक मत मारो, बंदूक मत मारो, चोरी नहीं करना मैं। अरे तो आसमान से कौन गिरता है? अरे मेरे को यहाँ पे पता चला कि तुम फोटोग्राफी करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो। अरे हाँ करता हूँ ना। अरे मेरी भी फोटो निकाल दो यार, मेरे को लॉस सैंटोस का रिचेस्ट मैन बनने का सपना था। तुम मेरी फोटो निकालो यहाँ पर, उसको ऐसा एडिट करो कि मैं सबसे ज्यादा रिचेस्ट हाउस में रहता हूँ और सबसे रिचेस्ट गाड़ी चलाता हूँ, मेरे को बहुत अमीर दिखना है फोटो में। अच्छा अच्छा ठीक है, दिख जाऊंगा। पर ये आसमान से कैसे गिरे? अरे वो बोलते है ना, आसमान में अटके खजूर में लटके। तूने मेरे सूट में खून खून कर दिया भाई, कैसा बुरा आदमी है तू। चलो कोई बात नहीं, गैंगस्टर लगूंगा मैं खून वाले सूट के साथ। खींच दो मेरी फोटो, खींच दो भाई। गाइस मैं तो मजाक कर रहा था, भगवान ने तो सच्ची में से कोई आदमी को टपका दिया। चलो गाइस इसकी भी फोटो खींचने के लिए रेडी है। ये कैमरा निकाला मैंने और इसकी बढ़िया सी फोटो लेंगे। अंकल चीज बोलो यार, तुम लॉस सैंटोस के रिचेस्ट मैन हो, रिचेस्ट मैन जैसी एक्टिंग तो करो। रिचेस्ट मैन इसके लिए मेरे को कुछ एक्टिंग करने की जरूरत है, तो फोटो पाओ भाई। अच्छा अच्छा ठीक है गाइस, ये देखो ये मैंने फोटो और ये कर दी मैंने फोटो एडिट। अरे वाह 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 यार, ये तो पूरे 2.5 लाख रुपए वर्थ हो गए। ले भाई तेरे रुपए, ले 2.5 लाख रुपए। अरे मैं लॉस सैंटोस का है ना रिचेस्ट मैन लग रहा हूँ। अब ये जो हवाई वाली लड़की है ऑनलाइन जो फेमस हो रही है, वो बॉडी बिल्डर के साथ को छोड़ के मेरे पास आ जाएगी। अंकल तुम यहाँ पे पार्टी क्यों कर रहे हो यार, ये स्विमिंग पूल है। अरे गाइस ये देखो यार, ये तो मेरी तो पूरी स्टोरी फैल गई यार ऑनलाइन में। जो मैंने सबसे पहले अंकल को है ना मोटे आदमी को फोटो खींच के दी थी, उसकी फोटो देख के जो सेकंड नंबर पे दीदी आई थी जिसने हवाई की फोटो दिखाई थी, वो उनसे पट गई। अब यार यहाँ पे है ना ये जो चौथे अंकल आए थे, ये वो है ना हवाई वाली दीदी को पटाने का ट्राई कर रहा है। अब इनको सबको पता नहीं कि मुझे तो सबकी राज पता है, सब कुछ तुम सोशल मीडिया पे ये लोग जो डाल रहे सब कुछ नकली है। पर मुझे क्या, मेरे तो 10 लाख रुपए मुझे मिल गए। चलो गाइस जल्दी से चलते 10 लाख रुपए कैश करने। ओ बल्ले बल्ले, शावा शावा होने वाली है, मेरे को तो यार वो खतरनाक सूट मिलने वाला है। लेट्स गो गाइस। ओए ये देखो आ गया, अरे बबलू पहलवान 10 लाख रुपए लेकर। अरे फ्रैंकलिन यार ये क्या किया तूने, मेरी बॉडी किसी और के सर पे लगा दी, ऐसा कैसे कर सकता है तू मेरे साथ। अरे बबलू पहलवान छोड़ो यार, उससे ही तो 10 लाख रुपए लेकर तुमको देने आया हूं। अरे क्या 10 लाख रुपए लेकर आ गया तू भाई, बहुत बढ़िया काम है तेरे को, तब ये पीछे वाला सूट मिल जाएगा। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला। चलो यार ये देखो 10 लाख रुपए लेकर आओ, ये सूट अब मेरा हुआ गाइस। ये देखो मैं बन चुका हूँ इतना खतरनाक मिलिट्री वाला चेनसॉ हल्क। अरे फ्रैंकलिन बहुत खतरनाक सूट है, ध्यान रखियो इसका। अरे हाँ गाइस ये देखो यार, तुमने इसका है ना देखा, मैंने सूट को स्टार्ट किया तो क्या खतरनाक एनिमेशन आई। मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हल्क बन चुका हूँ 10 लाख रुपए वाला। बबलू पहलवान जो नेक्स्ट ईयर 11 हेड वाला हल्क का सूट है वो कितने का है? अरे फ्रैंकलिन वो तो पूरे $1 मिलियन का है, मतलब 100 लाख का है। तेरे पास इतने रुपए कभी भी नहीं आएंगे। अरे आएंगे आएंगे गाइस, ये देखो यार मेरी स्पीड भी कितनी ज्यादा है। अब मुझे पैसे कमाने जिससे मेरे को यार 100 लाख रुपए मिल जाए। 100 लाख रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी बहुत खतरनाक है। पर गाइस देखो मैं तुम्हें बताऊं, मुझे एक सीक्रेट पता है ना, जो अमीर लोग होते हैं ना उनके पास हजारों करोड़ रुपए की गाड़ियां होती है, रोल्स रॉयस फॉल्स रॉयस, उसको साफ करने के वो बहुत ज्यादा रुपए देते। एक गाड़ी को साफ करने के 50-50 लाख रुपए मिलते, मेरे को ऐसी तक खबर मिली है। तो देखो मैं एक जाऊंगा कार वॉश पे और वहां पे ये बात को पता करता हूं यार। चलो जल्दी जल्दी से जाके है ना कार वॉश पे बात करता हूं मैं, लेट्स गो। वहां से ही मुझे 100 लाख रुपए मिलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। ओ गाइस यहां पे देखो मैं आ चुका हूं लॉस सैंटोस के सबसे ज्यादा पॉश एरिया में। यहां पे देखो यार ये वाला जो कार वॉश है, मैंने सुना है करोड़ों रुपए कमाता है। एक सेकंड गाइस रुको यार, यहां पे लगता है कि एक करोड़पति अपनी गाड़ी लेकर आया है अपनी बीवी के साथ, इससे बात करता हूं। अरे करोड़पति सर मेरे बात सुनो यार, आपने ये सारे पैसे कैसे कमाए, आपकी ऑयल की फैक्ट्री क्या? अरे नहीं पापा जी, ऑयल की फैमिली क्या बोल रहे हो, मैं कोई अमीर आदमी पैदा थोड़ी हुआ था, मैं तो यहां पे बस गाड़ियां धोता हूं। तुम्हें पता है अमीर लोग यहां पे आते हैं कैसे कैसे काम करके जाते हैं, कभी कभी तो मुझे 2-2 करोड़ रुपए दे जाते हैं भाई एक गाड़ी को धोने के लिए। देखो यार मैं तो गाड़ियां धो धो के क्या अमीर हो गया हूं, यहां पे इतने पैसे हो गए घर पे कि कहां रखूं पता नहीं। इतनी खतरनाक रोल्स रॉयस मर्सिडीज ले लिया, मेरी तो बीवी भी कितनी सुंदर है भाई, जिंगा लाला हो गई लाइफ है। सच्ची में तुम सिर्फ यहां पे गाड़ियां धोते और तुम्हें इतने पैसे मिलते? अरे हां भाई क्यों नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते भाई। तुमको यार काम करना क्या, एक दिन में एक दिन के लिए यहां पे काम कर लो, जिंदगी जिंगा लाला हो जाएगी, मैं तुम्हें पक्का गारंटी देता हूं। अरे क्या एक दिन के लिए यहां पे काम करना है क्या मुझे? हां यार काम तो कर
वरना यहाँ पे यार बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। गाइस देखो यार वहाँ पे है ना चाइनीज थिएटर पे जो सबसे बड़ा वाला जो सूट था वो कितने का उसने बोला था 10 करोड़ रुपए का बोला था ना। 10 करोड़ रुपए यहाँ पे मुझे कमाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कितना 2-2 करोड़ रुपए एक गाड़ी धोने के मिलते हैं यहाँ पे ऐसा बोला। हाँ 2 करोड़ 2.5 करोड़ उनके पास जितने पैसे होते सब दे देते हैं, वो बहुत अमीर लोग आते हैं यहाँ पे। तुम यहाँ पे देखो थोड़ी देर काम करो तुम्हारी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, पर ये सीक्रेट किसी को भी बताना मत, तुम मुझे प्रॉमिस करो। अरे हाँ हाँ प्रॉमिस करता हूँ। बिल्कुल प्रॉमिस कर रहे हो क्या? अरे हाँ बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ यार। अरे बिल्कुल प्रॉमिस करोगे तो ही मैं तुम्हें यहाँ पे काम करने दूंगा, वरना करने नहीं दूंगा। अगर तुमने सबको बता दिया ये चीज तो यार यहाँ पे है ना सब जन काम करने के लिए भीख मांगेंगे। अरे हाँ बात तो सही है गाइस, देखो यार तुम्हें है ना ये अंकल को प्रॉमिस करना पड़ेगा, फिर तुम्हें सीक्रेट किसी को भी नहीं बताओगे कि ये स्पेशल नॉर्मल से दिखने वाले कार वॉश पे है ना इतने सारे जन यहाँ पे करोड़पति लोग आते और 2-2 करोड़ रुपए देके जाते अपनी एक गाड़ी को धोने के लिए, ठीक है ना? प्रॉमिस कर दो। अरे सब जन वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस लिखो तो ये ना मैं तुम्हें यहाँ पे नौकरी करने दूंगा। अरे हाँ गाइस वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस लिखो, ठीक है? देखो सब जनों ने वीडियो को लाइक कर दिया, कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस लिख दिया। अब यार यहाँ पे वेट करता हूँ, मेरे को है ना देखते पहला कौन अमीर आदमी आता है यहाँ पे अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए। ये देखो मैंने मेरी रोल्स रॉयस गोल्ड की तो करवा ली पर इतना सारा गोल्ड बच गया है, इसका क्या करूं? अच्छा चलो एक काम करती हूँ, यहाँ पे गाड़ी धुलवा लेती हूँ और गोल्ड से सारा पेमेंट कर दूंगी। अरे भैया जी सुनो, क्या ये वही कार वॉश है जहाँ पे सब जन अपनी महंगी महंगी गाड़ियाँ साफ करवाने आते हैं? मुझे जल्दी से बताओ। अरे हाँ दीदी ये आपको आपकी गाड़ी साफ करवानी है क्या? अरे हाँ मेरी गाड़ी साफ कर दो और पेमेंट में ना ये बचा हुआ गोल्ड ले लेना, 2.5-3 करोड़ रुपए का गोल्ड है, मुझे नहीं पता मेरे पास बहुत पैसे, मैं पैसे नहीं गिनती हूँ। अरे वाह गाइस ये देखो पूरी सोने की कन्वर्टेड है ना रोल्स रॉयस यहाँ पे आई भी है और इसको धोना और इसके पेमेंट में मुझे इतना सारा सोना मिलने वाला है। चलो पहले ये सोने को मैं उतार के मेरी जेब में रख लेता हूँ जल्दी से गाइस। ये देखो इसको रख लिया गाइस, ये तो भाई 2.5-3 करोड़ रुपए थे सच्ची में बहुत ज्यादा था। दीदी चिंता मत करो आपकी पूरी गोल्डन रोल्स रॉयस को एकदम साफ कर दूंगा मैं। अरे एक भी स्क्रैच लगाना तेरी पगार काट लूंगी मैं। अरे नहीं 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 एक भी स्क्रैच नहीं लगेगा। रुको गाइस देखो मैं इसको है ना यहाँ पे वॉश में लेके जाता हूँ, यहाँ पे बस ये गाड़ी को बढ़िया से मुझे धुलवाना है। ये देखो इस पे लेके चला गया, यहाँ पे पहले पानी मार रहे। अरे स्पेशल पानी है ना? अरे हाँ सोने वाला पानी आंटी चिंता मत करो यार। ये देखो ये गाड़ी को एक बार प्राइमरी वॉश करवा देता हूँ, ये सारे है ना उससे एकदम बढ़िया सी क्लीन हो जाएगी, फिर इसके बाद इसको मैं हाथ से पॉलिश कर दूंगा। ओहो हो गाइस क्या लग रही है गड्डी यार, बहुत ही मजा आ रही है, गड्डिया ऊंचिया रखिया हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। ये देखो इतना सारा सोना था और देखो गाइस ये साफ होके बाहर आ गई। अरे तुम इसको ढंग से साफ करोगे ना? ये देखो अभी यार इसकी कार वॉश तो मैंने एक बार कर दी है, अभी देखो आपकी गाड़ी को एकदम बढ़िया सी सर्विसिंग कर दूंगा मैं। यहाँ पे देखो आपके टायर पे मस्त ही स्पेशल फोम मार रहा हूँ, इससे टायर एकदम साफ हो जाएंगे। आप अपने सारे दोस्तों को बताना यार मेरे बारे में। अरे हाँ हाँ बताऊंगी, बहुत अच्छा काम करा है तुमने। ये देखो यार तुम्हारी सर्विस तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे वाह क्या फोम वॉश कर रहे हो? अरे हाँ फोम वॉश भी बहुत तगड़ा कर रहा हूँ और मैं इसको एकदम मस्त साफ सुथरा कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। देखो क्या धूप में चमक रही है तुम्हारी गाड़ी। अरे हाँ हाँ मैं तो बहुत खुश हो गई यार, ये लो टिप में 2 करोड़ रुपए और ले लूं। अरे वाह गाइस यार देखो एक गाड़ी धोने के 5 करोड़ रुपए मिल गए। अरे 5 करोड़ रुपए ज्यादा होते क्या तुम गरीब लोगों के लिए? मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, मैंने तो अभी नई नई गाड़ी बनवाई है 100 करोड़ रुपए की। जल्दी से यार इसको लेके चलती हुए पल्ले पल्ले, क्या मस्त चमक रही है मेरी धन्नो। गाइस मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, एक गाड़ी धोने के 5 करोड़ रुपए मिल गए। मैंने बोला था ना यहाँ पे बहुत पैसा दे के जाते हैं, तुझे 10 करोड़ कमा देते ना, एक एक बार गाड़ी धोएगा तेरे तो पैसे पूरे हो जाएंगे, पल्ले पल्ले हो जाएगी तेरी फिर तो। अरे हाँ बल्ले बल्ले हो जाएगी। आओ 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 और कस्टमर आओ और कस्टमर आओ यार। अरे बॉस की गाड़ी को मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घुमाने लेके गया था यार, गाड़ी कितनी गंदी हो गई है। बॉस को पता चल गया कि उनकी गाड़ी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए कराया तो बहुत पिटाई होगी। अरे भैया जी सुनो सुनो, ये वही कार वॉश है क्या जहाँ पे मस्त सारी प्रीमियम गाड़ियों की क्लीनिंग होती है? अरे हाँ भैया यही कार वॉश है। अरे प्लीज क्लीनिंग कर दो यार, मैं मेरे बॉस की गाड़ी मेरी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गया था, यहाँ पे हम लोग घूमने चले गए, वहाँ कितना कीचड़ था, ये देखो गाड़ी की हालत कितनी ज्यादा खराब हो रही है, सब तरह से एकदम गंदी हो गई है। बॉस ने देख ली ना, बॉस मुझे बहुत मारेंगे, नौकरी से भी निकाल देंगे। ये देखो यार गाड़ी को एकदम चमचमाता हुआ नई कर दो। ये देखो चांदी की गाड़ी है, इसके लिए मैं 1000 किलो चांदी लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, देखो सिल्वर की। जल्दी से यार ये पेमेंट की तरह ले लो भाई, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ यार, ये गाड़ी को धो दो प्लीज। अरे क्या 1000 किलो चांदी लेकर आया हूँ मेरे पेमेंट के लिए, इसको धोने के लिए? अरे हाँ कम पड़ रही है और ला दूंगा यार, प्लीज अभी इसको धो दो, मैं शाम को रुपए दे दूंगा तुम्हें। अरे नहीं नहीं 1000 करोड़ चांदी के तो मुझे बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो इसको भी ले लेता हूँ मैं। ओ गाइस ये देखो ये इसके पैसे लिए, ये भी 5-6 करोड़ की थी, मतलब मेरे 10 करोड़ रुपए पूरे हो गए। मतलब ये गाड़ी को धो दूंगा, उसके बाद मैं चाइना थिएटर जा सकता हूँ और वहाँ पे बबलू पहलवान से सबसे बड़ा जायंट वाला हल्का सूट एक ही बार में लेकर आ सकता हूँ। लेट्स गो गाइस। अरे भैया मेरी गाड़ी तो धो दो यार। अरे हाँ धोता हूँ गाइस, रुको इसकी गाड़ी धो लेने दो यार, वरना ये रो रो करेगा कि इसकी गाड़ी नहीं धोई मैंने। चलो देखो इसको कार वॉश के अंदर लेके जाता हूँ मैं, यहाँ पे कार वॉश चालू करते हैं। ये देखो यार कार वॉश अपने फिर से
चालू कर रहे हैं। गाइस देखो ये चांदी की बनी हुई गाड़ी है पर इसकी हालत बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। पहले तो इस पे पानी मारेंगे जिससे सारा कीचड़ उतर जाए और फिर ये पानी मार के ये साबुन वाले ब्रश घुमाएंगे जिससे यार ये गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। और भैया एकदम साफ हो जाएगी ना, बॉस को पता तो नहीं चलेगा ना कि मैं उनकी गाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेके घूम रहा था। अरे कुछ भी नहीं होगा यार, एकदम नई नवेली गाड़ी कर देंगे, तुम्हारी काहे टेंशन लेते हो। ये देखो यार इतना कीचड़ लगा हुआ था, सारा कीचड़ साफ हो गया ना। अरे हाँ बात तो सही बोल रहे हो, सारा कीचड़ ऑलमोस्ट साफ हो ही गया, इसकी पॉलिशिंग भी कर दो यार थोड़ी सी। यार सिर्फ 5 ही करोड़ रुपए दी उसमें पॉलिशिंग भी करके दू? चलो ठीक है गाइस पॉलिश मार देता हूँ इसके ऊपर। देखो जैसे वांटी को मार के दी थी, आखिर बंदे ने 5 करोड़ रुपए दिए गाड़ी साफ करने के लिए। और इसके बाद तो मैं वैसे ही अपग्रेड हो जाऊंगा, मुझे पैसों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे दुख के दिन खत्म हो गए। चलो इसको जल्दी से मैं लेके जाता हूँ। ओके ओके भैया जी, देखो यार एकदम चमक रही है। भाई मेरी आंखें दुख रही है इसको देख के, देख लो गाड़ी सही है ना। अरे हाँ भैया तुमने तो एकदम नई जैसी गाड़ी कर दी यार, थैंक यू, 5 करोड़ रुपए वर्थ हुआ यार मेरे, वरना मेरे बॉस मुझे नौकरी से निकाल देता। चलो बल्ले बल्ले शावा शावा। चलो गाइस यार देखो यार ये इन लोगों के तो काम मैंने पूरे कर लिए, पैसे मैंने पूरे कमा लिए, अब मेरे को जाना है वापस से यार, वरना वहाँ पे चाइना टाउन। देखो 5-10, 5-5 करके 2 गाड़ियां धोई, 10 करोड़ रुपए मिल गए। अब मैं जल्दी से है ना यहाँ पे कुछ भी करके जा सकता हूँ और है ना वहाँ पे से जाके बड़ा वाला सूट खरीद लूंगा। लेट्स गो गाइस। गाइस देखो जल्दी जल्दी से आगे पहुंच गया, ये रहा मेरा बड़ा वाला सूट यार जो मुझे अभी मिलने वाला है, इतने सारे हेड वाला जायंट सूट अल्फा द टैटूज के साथ। चलो चलते। अरे यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लग रही है? अरे भाई साहब मेरे पास इतने सूट स्टॉक में नहीं है, मैं क्या करूँ यार, नहीं दे सकता। तो एक सूट मेरा है, ये मेरा पर्सनल सूट है, अरे दूसरा एक ही सूट सेल के लिए, तुम चारों जन उसको मांग रहे हो। हाँ मेरे बॉस ने सूट मांगा है, चिंग चांग चुंग कर दूंगा, मेरे चाइनीज माफिया के बॉस ने सूट मांगा है, देना ही पड़ेगा। ओ ब्रो नो यू नीड टू गिव इट टू मी। अरे बापूराव तूने मेरे को सूट नहीं दिया ना, मैं देखना तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। अरे मेरे को देना पड़ेगा तेरे को सूट, मैं इधर का डॉन है डॉन, मेरे को सूट दे। अरे ये क्या हो रहा है गाइस यार, ये देखो ये सब जन ये बड़े वाले सूट की लड़ाई कर रहे। अरे पर मेरे पास एक ही सूट है, इतने सारे जनों को इतने सारे सूट कैसे दे दूं मैं? एक काम करो कोई एक तुम में से ये वाला सूट ले लो यार, किंग चांग चुंग ये सूट मेरे को मांगता है। अरे नहीं 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 ये सूट मेरा है, सब जन साइड में हटो, मैं सुबह से खेती कर रहा हूँ ये सूट के लिए। अरे ये फ्रैंकलिन तू भी यहाँ पे आ गया, 4 जन तो ऑलरेडी सूट के लिए यहाँ पे लड़ रहे यार, अब तू भी यहाँ पे आ गया, तेरे पास 10 करोड़ रुपए आ गए क्या ये बड़ा वाला सूट लेने के लिए? अरे हाँ आ गए आ गए, मुझे ये सूट बेच दो। किंग चांग चुंग मुझे बेचा, मुझे बेचना है ये वाला सूट। यो ब्रो प्लीज मुझे दो, मुझे दे देना, दे दे तेरा क्या जाता है। अरे गाइस ये देखो सब जन यहाँ पे लड़ाई कर रहे, अब ये किसको बेचोगे कैसे डिसाइड करोगे? बबलू पहलवान यार मैं सबसे पहले आया था, मेरे को बेचना पड़ेगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन यार ऐसे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, एक काम कर सकता हूँ मैं, एक कॉम्पिटिशन रखता हूँ मैं, और जो भी वो कॉम्पिटिशन जीतेगा ना उसको ये वाला सूट दे दूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए में, ठीक है ना? अरे पर 10 करोड़ रुपए तो ओरिजिनल प्राइस थी। अरे तुझे नहीं चाहिए क्या सूट, किसी और को बेच दो फ्रैंकलिन। अरे नहीं नहीं ठीक है कॉम्पिटिशन रखो, पर बबलू पहलवान बात सुनो। अरे क्या हुआ? अरे मैं ये वाले सूट से परेशान हो गया, मुझे ये वाला सूट दे दो जितनी देर के लिए, मेरे पास पैसे तो है ही ना यार, और कॉम्पिटिशन मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे चल ठीक है फ्रैंकलिन, तो ये वाला सूट ले ले यार, और ये वाला सूट लेके जल्दी से मेरे कॉम्पिटिशन में पहुंच। अरे हाँ 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 जल्दी से ये ले लेता और कॉम्पिटिशन में पहुंचता हूँ। लेट्स गो गाइज। गाइज ये देखो नए हल्के सूट के साथ मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे कॉम्पिटिशन में। चलो यार यहाँ पे जल्दी से लाइन में खड़ा रहता। अरे बे भाई तुम यहाँ पे खड़े हो? अरे फ्रैंकलिन क्या कर रहे हो, कितनी देर हो गई, मेरा फोन चला चला के बोर हो गया मैं। चलो चलो कंपटीशन को गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो भाई और उनकी बहनों यहाँ पे देखो हम कंपटीशन के लिए आ गए, तुम पांचों के बीच खतरनाक कंपटीशन हो रहा है, और तुम पांचों में से जो भी जीतेगा ये कंपटीशन उसके यार उसको मिल जाएगा ये वाला प्राइज, वो है यार ये 11 हेड वाला अल्टीमेट कूल दबंगल, बहुत ज्यादा खतरनाक प्राइज है ये, ध्यान से लगाना। अब इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखो यार तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे अपनी बाइक लेनी है अपनी मनपसंद की, और उसको यहाँ पे से आगे लेके जाना है, उसको फिर फुल स्पीड में कुदाना है, और यार किसी भी तरह से ये ऊपर वाले फ्लोर तक लेकर जानी है। अरे ऊपर वाले फ्लोर तक लेकर कैसे जाएंगे गाइस, ये तो मोर और लेस इम्पॉसिबल है, यहाँ इतने छोटे रैंप से इतना ज्यादा जंप कैसे करेंगे कि यहाँ तक आ जाए। अरे ये तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो अपने को यहाँ से स्पीड में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे से दोनों में से एक रैंप चूज करके ये वाली ट्यूब में से निकल के यहाँ पे लैंडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे लैंडिंग करने के बाद अपने को आगे जाना पड़ेगा, और ये सारी ट्यूब्स को में से निकलना पड़ेगा, एक और बड़ा रैंप लेना पड़ेगा, ये सारे है ना विंडमिल से बच के, ये वाली विंडमिल को बचने के बाद ये है ना बॉल की दीवार तोड़ के यहाँ पे आगे पहुंचना पड़ेगा। अरे हाँ तुम में से जिसने भी ये कर लिया फटफट से उसको मैं विनर और विजेता डिक्लेयर कर दूंगा, और उसको मिल जाएगा वो
वाला सूट। क्या सब जन तैयार है? अरे हाँ बिल्कुल तैयार है, तो आओ चलो कॉम्पिटिशन को शुरू करते है। नंबर वन तुम सबसे पहले जाओ। और मेरे को पहले बारी देख कर गलती कर दी तुम लोग ना, धूम की गाड़ी धूम का राजा चलाता हूँ मैं, धूम धूम। ये देखो मेरी बाइक में बर्नआउट मारता हूँ मैं, ओहो हो हो हो, इसको मेरा तड़पा है। अरे गाइस ये देखो ये क्या कर रहा है भाई, इसको तो कितना परफेक्ट बर्नआउट करना आता है, पूरा पूरा सर्कल बना दिया। अरे ये देखो क्या स्पीड बनाई है मैंने मेरी बाइक से, ओए होए 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 होए, ये देखो मैं तो मेरी बाइक को कहां उड़ा के लेके जा रहा हूं, इतनी स्पीड कर ली कि मैं तो इसको हवा में चला पा रहा हूं। ओए छपा, अरे गाइस ये धूम की गाड़ी को इसने कैसे हवा में चला यार। और देखो अभी मैं क्या करूंगा, धूम की गाड़ी धूम का राजा, डांडा डांडा, बाप रे ये क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा धूम धूम कर लिया, मैं तो यहाँ पे बाइक से नीचे गिर गया अम्मा जी। ब्रो व्हाई आर यू सो टेंस्ड ब्रो, मैं बता रहा हूँ ये करना बहुत आसान है, ये देखो ब्रो मैं बताता हूँ क्या करते है ब्रो, मैं ये बाइक पे बैठूंगा और ये बर्नआउट की बात है क्या, ये तो मुझे भी करना आता है, मैं कौन सी बड़ी आ गई। ये देखो ये मारा आधा डोनट, ये मारा रिवर्स डोनट, अरे रिवर्स डोनट कहाँ से हुआ यार ये, अरे ये देखो यार ये करना चालू किया मैंने, ओए, और मैं बाइक को ऐसे भी लेके जा सकता, ओए, और इसको ऐसे भी लेके जा सकता, ओए। अरे गाइस ये देखो क्या टायर में से स्मोक निकाल रहे यार, ये टायर में से स्मोक निकाल निकाल के अपनी गाड़ी का आरपीएम मेंटेन कर लेते, और ये देखो यार इसको कहाँ पे चला रहे, ओए अंकल क्या कर रहे हो। अरे ब्रो यार मैं तो केटीएम का स्टंट राइडर हूँ यार, मैं तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बाइकर हूँ, मोटो व्लॉगिंग भी करता हूँ मैं। अरे ये क्या हो गया, मेरी मोटो व्लॉगिंग फेल हो गई, मैं तो यहाँ से उड़ के नीचे चला गया, कोई बात नहीं अच्छा यूट्यूब का वीडियो तो बना लूंगा। अरे तुम सब लोगों को क्या लगता है मैं ये बाइक नहीं चला पाऊंगी, मैं बाइक चलाऊंगी, मैं सबसे ज्यादा खतरनाक वाली बाइक चलाऊंगी, ये देखो बुलेट चलाऊंगी, बुलेट कैसी लग रही हूँ मैं बुलेट पे। अरे गाइस ये आंटी तो देखो कैसी जबरदस्त लग रही है यार, अभी देखते ही क्या कर पाती है। अरे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये देखेगा फ्रैंकलिन, ये देख ओए होए होए क्या स्टंट मार रही हूँ मैं, और ये देख ओए होए होए क्या स्टंट मार रही, और एक और चीज देखेगा, ये देख बर्नआउट मारते मारते भी मैं स्टंट मार रही हूँ। अरे वाह 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 गाइस ये देखो तो सारी दीदी क्या जबरदस्त काम काज कर रही है यहाँ पे, मस्त अपनी पूरी बुलेट को गोल गोल घुमा रही यार, और बुलेट को गोल गोल घुमाना एक स्पोर्ट्स बाइक को घुमाने से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला फ्रैंकलिन, बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल का नाम ही है मैं। ये देखिए यार क्या बाइक को स्पीड में रखा है, ओहो हो हो हो, और ये देखो बाइक को कुदा के पहुंचा दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे रिवर्स में जाऊंगी और स्पीड बूस्ट लेके ब्लू वाले रैंप से आगे जाऊंगी एकदम धीमे धीमे, ओहो हो हरियाणा की छोरी हूँ मैं, हरियाणा की छोरी। अरे गाइस ये देखो फुल स्पीड में आगे जा रहे, अब यहाँ पे देखते क्या होता है, अरे बाप रे ये तो अथड़ा गए। अरे ये क्या हो गया भाई, सबको धुंधला लग रहा है मेरे को, अरे बाप रे क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं चलो रैंप फिर से लेती हूँ, अरे नहीं 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 गड़बड़ हो गई, रैंप से नीचे गिर गई मैं तो। चिंग चांग चुंग हमारी चाइना में तो ऐसा बात कुछ करते, ये देखो मैं मेरी चाइना से बाइक लेकर आया हूँ। अरे गाइस ये चाइना वाली बाइक है तो पक्का है ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी यार इसमें। चिंग चांग चुंग कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, ये देखो यार तुमको बर्नआउट देखना अच्छा लगता है, तुम्हें बर्नआउट करके बताती है, ये देखो हुई हुई हुई, ये वाली बाइक देखो कितनी खतरनाक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल है स्टंट मारना, मैंने भी मार दिए। अरे हाँ स्टंट तो मार दिए, ये तूने क्या है ना डोनट बनाया था। अरे डोनट नहीं मैंने तो चाउमीन बनाया था, चाउमीन। अरे वाह वाह चाउमीन तो बहुत ही बढ़िया बना लिया तूने, ये देखो गाइस ये चाउमीन एक्सपर्ट ने तो यहाँ पे पूरी बाइक को 360 भी मार दिया और यहाँ पे परफेक्ट लैंडिंग भी कर दी। अरे चिंग चांग चुंग मैंने बोला ना चाइना नंबर वन है, चाइना नंबर वन, उसकी बाइक बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये देखो स्टंट मारा मैंने और ये उड़ाई मैंने मेरी बाइक। अरे ये क्या हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया बाइक में, गाइस इसकी चाइना की बाइक में तो पेट्रोल खत्म हो गया देखो। अरे गाइस सच्ची में बोला था यार चाइना की गाड़ी बिल्कुल रिलायबल नहीं होती, उसका तो पेट्रोल की टंकी लीक हो रही थी, इसके लिए खाली हो गया होगा उसका पेट्रोल। चलो गाइस ये देखो मैं बैठ चुका हूँ मेरी बाइक में, ओहो गाइस देखो अब ये मेरी फ्यूचर की बाइक है, इसके ऊपर है ना यहाँ पे धुआं तो नहीं निकाल सकता मैं, और ये देखो गाड़ी में मैं बर्नआउट तो मार ही सकता हूँ, ये देखो क्या मस्त चल रही है ये भी। अरे फ्रैंकलिन क्या तू सूट जीत लेगा क्या, अगर तू सूट तक पहुंचा तो 10 करोड़ रुपए रिफंड नहीं करूंगा मैं। क्या 10 करोड़ रुपए रिफंड नहीं करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं तो पूरा रिफंड शिफंड सब कुछ वापस लूंगा। ये देखो गाइस मैंने गाड़ी को यहाँ पे किया और इसको देखो गाइस मैं कहा भाई मैं इसको लिटरली हवा में चला रहा हूँ, है कोई मेरे जैसा स्मार्ट, है कोई मेरे जैसा खतरनाक जो इसको हवा में चला सकता है। अरे नहीं फ्रैंकलिन तेरे जैसा स्मार्ट और खतरनाक तो कोई नहीं यार जो बाइकों को हवा में चलाता हूँ। ये देखो गाइस क्या खतरनाक हवा में चलाई, इतनी स्पीड ले ली बाइक में कि है ना सब कुछ आगे हो गया। ये देखो मैं यहाँ पे एक और स्पीड लेता हूँ और यहाँ पे 360 मारने की ट्राई करता, ओए 360 मार नहीं पाया, पर देखो मेरे टकले पे सथड़ा के ना
मैं वापस सीधा हो गया था। अब इतने सारे हेड होने का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। ये देखो यहाँ पे सारे बॉल गिरा देता हूँ गाइस। अब यहाँ पे भी ऑब्स्टेकल है ना, सब चीज के अंदर घुस घुस के है ना उनको सबको तोड़ देता हूँ, जिससे यार यहाँ पे है ना मेरे को ऐसा लगे कि भाई मैंने कुछ रैंप खेला। ये पेट्रोल की टंकी है इसको फोड़ दूंगा, ये वाली पेट्रोल की टंकी है इसको फोड़ दूंगा। अरे बाप रे नीचे गिर गया तो ऑलमोस्ट। अरे फ्रैंकलिन ज्यादा टाइम पास मत कर, आउट हो गया ना तो सूट नहीं मिलेगा, ना ही पैसा रिफंड करूंगा मैं तेरा। ओए फ्रैंकलिन तू तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। अरे हाँ देखो गाइस पहुंच गया मैं तो यहाँ पे। और गाइस ये देखो मैंने सबसे जायंट वाला सूट भी ले लिया। अरे फ्रैंकलिन जबरदस्त लग रहा है यार ये जायंट सूट में तो तू। अरे गाइस देखो क्या पल्ले पल्ले हो गई यार मेरी तो। मैं $1 के सूट से चालू किया था, $1 का तो नहीं ऐसे $200 का सूट था, पर अभी देखो यार खत्म करते करते तो 10 करोड़ का सूट मिल गया मुझे। ये एक्चुअल में तो 20 करोड़ का था, 50% डिस्काउंट में मिला था। पर गाइस देखो यार ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में यार मनी लिख के जाना क्योंकि मैंने आज तो बहुत सारा मनी कमाया। तुम मनी लिखोगे तुमको भी पैसे कमाने के बहुत ऑप्शन मिलेंगे। पर देखो जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है ये भी देख लेना बहुत अच्छा है। तो चलो मैं मिलूंगा तुम्हें GT5 अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।